शास्त्र कहता है मंथन के समय पर जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई उसमें बुआरी की भी उत्पत्ति हुई। ये झाड़ू का अपन लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं, बुआरी झाड़ू जो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं, रखते हैं, पूजन करते हैं या अच्छे दिन देखकर उसको लाते हैं, तो केवल दो दिन ऐसे होते हैं, इतनी तीन वैसे तो लिए पांच दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन तीन दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी, एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा। बाकी के समय पर बुआरी झाड़ू जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, शीतलता के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता देने। इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखते, झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। जब भी झाड़ू रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, और जिस दरवाजे से हम निकल कर बाहर जा रहे हैं उस दरवाजे के पास कभी झाड़ू नहीं रखते, भीतर के तत्व में रखे अंदर। बुआरी की उत्पत्ति, झाड़ू की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति मारा ये मंथन के समय से। इसलिए आज भी धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन जिस दिन अमृत निकला था उस दिन झाड़ू की पूजन होती। कई लोग करते आते हैं पर कई लोगों को अभी भी ये ज्ञात नहीं कि झाड़ू क्यों पूजी जाती, झाड़ू तत्व का पूजन क्यों किया जाता, क्यों धनतेरस के दिन लेते, क्यों